हेलो गाइस, तो आज हम जो मूवी देखने वाले हैं उसका नाम है जेनिवर्स बॉडी। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑन कर लें। तो कहानी शुरू होती है नीडी नाम की एक लड़की से जो अभी एक जेल में बंद है। उसके कमरे में कई सारे लेटर्स पड़े होते हैं और पास में ही उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर रखी होती है जो अब जिंदा नहीं है। वहाँ वो अपने कपड़े बदलती है और खाना खाने के लिए चली जाती है, जहाँ उसके पास एक डॉक्टर आती है और उसे ज़्यादा खाने की सलाह देती है ताकि उसके शरीर में ताकत आ सके। ये सुनके नेडी उस पर हमला कर देती है जिससे उसका एक दांत टूट जाता है और जेल के गार्ड्स उसे पकड़कर एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं, जहाँ वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। नीडी डेविल्स कैटल नाम के एक छोटे से शहर में रहती थी। शहर को ये नाम वहाँ पर मौजूद एक झरने के कारण मिला था जिसका सारा पानी एक गड्ढे में समा जाता था। साइंटिस्ट ने कई सारी चीज़ें उसमें गिराई जिससे पता चले कि वो पानी आखिर जाता कहाँ है, पर कोई भी चीज़ वापस कभी ऊपर नहीं आई। नीडी कॉलेज में अपनी फ्रेंड जेनिफर की परफॉर्मेंस देख रही होती है जो एक चीयरलीडर है। परफॉर्मेंस के बाद जेनिफर उससे मिलने आती है और रात को उसके साथ एक बार में चलने को कहती है जहाँ एक लो शोल्डर नाम का बैंड परफॉर्म करने वाला है। रात को जब नीडी तैयार हो रही होती है तो उसका बॉयफ्रेंड चिप उससे पूछता है कि तुम जेनिफर की हर बात क्यों मानती हो, तो वो उसे कहती है कि वो उसके साथ बचपन से है और उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तभी नीडी वहाँ उसे लेने आती है और दोनों साथ में चले जाते हैं। दोनों जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें क्रेग नाम का लड़का जेनिफर को डेट के लिए पूछता है, पर वो उसे ज़रा भी भाव नहीं देती। कुछ देर बाद वहाँ लो शोल्डर बैंड के आर्टिस्ट आ जाते हैं। जेनिफर नीडी के साथ बैंड के लीड सिंगर एडम से मिलने जाती है और उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाती है। वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। जब वो ड्रिंक लेने जाती है तो एडम अपने साथियों के साथ जेनिफर के वर्जिन होने की बात करता है और ये बातें नीडी सुन लेती है। वो एडम के पास जाकर उसे कहती है कि हाँ, जेनिफर बिल्कुल वर्जिन है और वो तुम जैसों के साथ बिल्कुल नहीं सोएगी। ये सुनने के बाद एडम अपने साथियों से कहता है कि उसने कहा था ना कि जेनिफर वर्जिन ही है। नीडी जेनिफर के पास जाती है और उसे एडम से दूर रहने को कहती है। इसके बाद उनका कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। तभी वहाँ आग लग जाती है और कई लोग मारे जाते हैं। नीडी जेनिफर को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। जेनिफर अभी सदमे में होती है तो एडम उसे अपने साथ उसकी वैन में ले जाता है। नीडी उसे मना भी करती है पर वो फिर भी उसके साथ चली जाती है। इसके बाद नीडी अपने घर आ जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, पर जब वो बाहर जाकर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता। जब वो किचन में जाती है तो जेनिफर उसके सामने खड़ी होती है और उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा होता है। वो उसकी फ्रिज से खाना निकालकर खाने लगती है। तभी जेनिफर उल्टी कर देती है और उसके मुंह से काले रंग का बहुत सारा अजीब सा कोई लिक्विड निकलता है और इसके बाद जेनिफर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब जेनिफर कॉलेज में नीडी से मिलती है तो वो बिल्कुल पहले जैसी सुंदर लग रही होती है। वो नीडी से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी क्लास में उनका टीचर आता है और कहता है कि बार में लगी आग में उनके कई सारे स्टूडेंट्स मारे गए हैं, इसीलिए वो क्लास को डिसमिस कर देता है। क्लास में एक लड़का बहुत रो रहा होता है क्योंकि उसका दोस्त क्रेग भी उस आग में मारा गया था जिसने बार में जेनिफर से बात करने की कोशिश की थी। क्लास ख़त्म होने के बाद नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिप को जेनिफर के बारे में सब बताती है, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तभी बाहर ग्राउंड में वही लड़का खड़ा रो रहा होता है तो जेनिफर उसके पास जाती है और उसके दोस्त क्रेग के बारे में बातें करने लगती है और उसका हाथ पकड़कर उसे जंगल में ले जाती है। वहाँ उसे वो किस करने लगती है। किस करते करते वो उसकी जैकेट उतार देती है। इसके बाद वो अपनी भी जैकेट उतार देती है। तभी वो लड़का देखता है कि वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर आ गए हैं, तो जेनिफर कहती है कि वो सब अपने खाने के लिए इंतज़ार में हैं। तभी जेनिफर उस लड़के को पीछे धकेल देती है और उस पर हमला कर देती है। उसके टीचर को उसकी चीखें सुनाई देती हैं तो वो उसे देखने के लिए जंगल की तरफ जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ उसकी लाश पड़ी होती है और जानवर उसे खा रहे होते हैं। अगले सीन में जेनिफर एक बड़ी सी झील में नहा रही होती है जिससे उस पर लगा हुआ खून साफ हो सके। नहाने के बाद वो झील से निकलती है और अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चली जाती है। तभी हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि लो शोल्डर नाम के जिस बैंड ने वहाँ परफॉर्म किया था वो अब हिट हो गया है और वो आग में मारे गए लोगों के लिए स्कूल के स्प्रिंग फेस्टिवल में एक चैरिटी शो करने वाला है। महीने बाद जब जेनिफर नीडी से कॉलेज में मिलती है तो वो बहुत ही बीमार और कमज़ोर नज़र आ रही होती है। तभी उसे एक कॉलिंग नाम का लड़का डेट के लिए पूछता है जिसे वो हाँ कर देती है और अपनी बताई हुई जगह पर आने को कहती है। इसी दौरान चिप भी नीडी को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है।
रात को जब कॉलिन जेनिफर से मिलने जाता है तो वो उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है और उसका सारा खून पी जाती है। उधर नीडी और चिप अपने घर में सेक्स कर रहे होते हैं तो नीडी को ये एहसास होता है कि कुछ बहुत ही डरावना और बुरा हुआ है, तो वो घबरा कर वहाँ से जल्दी से अपनी कार लेकर निकल जाती है। रास्ते में उसे अपनी गाड़ी के सामने जेनिफर खून में लथपथ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और अपने घर जाकर सोफे पर लेट जाती है और जेनिफर के बारे में सोचने लगती है और उस पल को याद करती है जब वो एडम के साथ उसकी वैन में गई थी। इसके बाद वो ऊपर अपने रूम में जाकर सो जाती है। जब उसे पता चलता है कि जेनिफर भी उसके बेड पर ही उसके साथ सो रही है तो वो चिल्लाते हुए उठ जाती है और जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो जेनिफर उसके पास आती है और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उसे किस करने लगती है। जवाब में नीडी भी उसे किस करने लगती है। कुछ देर बाद जेनिफर पीछे हट जाती है और बेड पर लेट जाती है तो नीडी दोबारा उसके ऊपर आकर उसे किस करना शुरू कर देती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर उसे कहती है कि बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होता, इसलिए वो उसे कुछ बताने आई है। वो उसे उस रात को याद करने को कहती है जब बार में आग लगी थी। वो उस लो शोल्डर बैंड के मेंबर्स के बारे में बताती है कि वो लोग शैतान की पूजा करते हैं। वो बताती है कि उनकी वैन में कई तरह की काले जादू की किताबें पड़ी थी। उनमें से एक लड़का जेनिफर से पूछता है कि क्या वो वर्जिन है, तो जेनिफर को लगता है कि वो सब उसका रेप कर देंगे, तो वो उनसे झूठ बोल देती है कि हाँ वो वर्जिन है। वो उसे कहते हैं कि हम जो काम करने आए हैं हमें उसके लिए एक वर्जिन लड़की ही चाहिए। वो जेनिफर को उस मशहूर झरने के पास ले जाते हैं जहाँ बहुत अंधेरा होता है। वो वहाँ एक विधि करने आए होते हैं जिसमें शैतान को एक वर्जिन लड़की की बलि चढ़ानी होती है और बदले में शैतान उनको पैसा, शोहरत और कामयाबी देगा। उस बैंड का लीड सिंगर एडम कागज़ में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ता है और जेनिफर पर एक खंजर से बार बार वार करता है और उसे मार देता है और खंजर को झरने में फेंक देता है। पर जेनिफर के असल में वर्जिन ना होने के कारण वो हमेशा के लिए शैतान के बस में आ जाती है। जेनिफर नीडी को बताती है कि जब तक वो लोगों को खाती रहेगी उसे मारा नहीं जा सकता और उसके जख्म भी आसानी से भर जाएंगे। ये साबित करने के लिए वो नीडी को अपना हाथ काटकर दिखाती है जो उसी वक्त ठीक हो जाता है। अगले दिन कॉलेज में नीडी लाइब्रेरी में जाती है और शैतान और काले जादू से रिलेटेड कुछ किताबें पढ़ती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि जेनिफर को तभी मारा जा सकता है जब वह भूखी और कमज़ोर हो और उसे मारने के लिए उसके दिल पर वार करना पड़ेगा। वो ये सब अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है और उसे कॉलेज में होने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल में जाने से मना करती है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लड़के होंगे जिन्हें जेनिफर अपना शिकार बना सकती है। पर चिप उसकी इन सब बातों पर यकीन नहीं करता तो नीडी उसे बचाने के लिए उससे ब्रेकअप कर लेती है। चिप उसके बगैर ही जाने का फैसला करता है पर रास्ते में जेनिफर उसे रोक लेती है और उसे नीडी के बारे में झूठ बोलती है कि वो किसी और के साथ है और उसे किस करने लगती है और उसे वहीं बंद पड़े स्विमिंग पूल में ले जाती है और वहाँ उसे अपना शिकार बना लेती है और उसके गले से खून पीने लगती है। तभी नीडी वहाँ आ जाती है और जेनिफर को चिप से दूर कर देती है। चिप जेनिफर पर एक रॉड से हमला कर देता है पर जेनिफर अपने पेट से वो रॉड निकाल देती है और वहाँ से भाग जाती है। ज़्यादा खून बह जाने के कारण चिप वहीं मर जाता है। नीडी चिप की मौत का बदला लेने के लिए जेनिफर के रूम में घुस जाती है और उस पर हमला कर देती है। जेनिफर उसे गले पर काट लेती है। जैसे ही नीडी जेनिफर के गले में पहने हुए बेस्ट फ्रेंड के लॉकेट को उतार कर फेंक देती है तो थोड़ी देर के लिए जेनिफर का ध्यान भटक जाता है और वो उसके दिल पर वार कर देती है, जिससे जेनिफर मर जाती है। तभी जेनिफर की मॉम रूम में आ जाती है और नीडी को जेनिफर की बॉडी के पास बैठे हुए देखती है। इसके बाद नीडी अब जेल में अपनी सज़ा काट रही है, जहां उसे उस रूम में बैठे हुए ये पता चलता है कि जेनिफर के काटने से उसमें उसकी कुछ पावर्स आ गई हैं, जिनकी मदद से वो जेल से भाग जाती है और रास्ते में एक आदमी से उस होटल तक लिफ्ट लेती है जहां लो शोल्डर बैंड रुका हुआ है और उनके रूम में जाकर एक एक करके सबको मार देती है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।